फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एडमिशन के बारे में। डायरेक्ट एडमिशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, एनआईटी और एसपीए या गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल सीटें ना मुश्किल से मुश्किल जाएगी तो 2000 सीटें जाएगी, और टोटल नंबर ऑफ सीटें जो है आर्किटेक्चर कॉलेजेस में वो 24,000 है। तो मैं बात 24,000 बच्चों की करता हूँ, मैं सिर्फ एनआईटी एसपीए की बात नहीं करता हूँ, मैं सारे बच्चों की बात करता हूँ। अगर किसी बच्चे को एनआईटी एसपीए नहीं मिलती है, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस भी नहीं मिलती है या काउंसलिंग में भी नहीं मिलती है तो डायरेक्ट एडमिशन का ऑप्शन आता है। बहुत सारे कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं। डायरेक्ट एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है, उसमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमें अच्छा कॉलेज मिले, क्या प्रोसेस, क्या चीज, सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। मेरी दो वीडियो पहले से बन चुकी है, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है उसे देख लीजिएगा। जो एडमिशन प्रोसेस पे मैंने बनाया है, बीआर के एडमिशन प्रोसेस पे मेरी दो पार्ट की वीडियो बन चुकी है, ठीक है। पहले पार्ट पे मैंने एडमिशन प्रोसेस बताया था कि किन किन प्रोसेस से जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरे में मैंने स्टेट काउंसलिंग के बारे में बताया था कि स्टेट काउंसलिंग किन की होती है, कौन कौन से स्टेट की होती है और उनकी क्या क्या प्रोसेस है। और तीसरी वीडियो आज हम बना रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन के बारे में, कि डायरेक्ट एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है, किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए डायरेक्ट एडमिशन में, ठीक है। क्योंकि मुझे बात 24,000 बच्चों की करनी है, 24,000 टोटल सीटें रहती है आर्किटेक्चर में। मैं सिर्फ 2,000 बच्चों का ही सिर्फ ध्यान नहीं दे सकता ना, मैं उन 24,000 बच्चों का भी ध्यान दूंगा जो रिमेनिंग बच्चे हैं, वो कैसे एडमिशन लेंगे, उन्हें कैसे बेस्ट कॉलेज मिलेगा उनके तरीके से, ठीक है। तो अभी चलते हैं सीधे अपने बोर्ड पे जाकर के एक्सप्लेन करूंगा, और जो भी कंप्यूटर से एक्सप्लेन करना होगा वो कंप्यूटर से भी एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एडमिशन के बारे में, ठीक है। इतनी बातों का आपको तो कंफर्म ध्यान रखना है, ये टोटल 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के जो आपको हमेशा याद रखना है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, मतलब डायरेक्ट एडमिशन के दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि या इसमें आपके नाटा कंपलसरी है, आपको नाटा अगर आपने दिया होगा, नाटा आपका क्वालिफाई है, तब आप जाकर के डायरेक्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं, मतलब डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन आपके हो जाएंगे जब आप नाटा क्वालिफाई करके रखे होंगे, ठीक है। और जेईई मेन पेपर 2 बाद में देखा जाएगा, लेकिन इसका कोई मतलब मैं अभी नहीं समझता हूँ डायरेक्ट एडमिशन में, जेईई मेन पेपर 2 में, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन के दो प्रोसेस हैं, दो प्रोसेस से आप डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हो। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला अगर हो जाता है तो फोन कॉल एडमिशन, ठीक है। फोन कॉल एडमिशन क्या होता है कि आप किसी पार्टिकुलर कॉलेज में फोन करते हो और पूछते हो उनसे उनका डिटेल, या फिर किसी पार्टिकुलर कॉलेज से आपको दिन में 4 बार फोन आते होंगे, वो हो गया डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट सीट बुकिंग, ठीक है। डायरेक्ट सीट बुकिंग हम किसी भी कॉलेज में अपना करवा सकते हैं जिन कॉलेजेस से हमें फोन आते हैं, ठीक है। या फिर हम खुद उस कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो कॉलेज हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर हम उन कॉलेजेस तक पहुंच जाए। तो दो प्रोसेस होता है। अब हम उन कॉलेजेस तक कैसे पहुंच सकते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए वो कॉलेज सही होगा, तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, हम स्टेट काउंसलिंग के थ्रू उन कॉलेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। जिन बच्चों ने अभी तक स्टेट काउंसलिंग की वीडियो नहीं देखी है, वीडियो जाकर के पूरा देखिएगा अगर आपने आधी देखी है तो, क्योंकि इसका पूरा रिलेट करता है उस वीडियो से, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग से हम कैसे निकाल सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग से हम निकाल सकते हैं कॉलेजेस के लिस्ट जो स्टेट काउंसलिंग में रह रहे हैं। जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में नंबर ऑफ कॉलेजेस 17 है काउंसलिंग में, उन 17 कॉलेजेस के लिस्ट हम निकाल करके उन कॉलेजेस में कॉल कर सकते हैं, या फिर उनकी वेबसाइट पे जाकर के पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल है क्या, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन, क्योंकि क्या होता है, डायरेक्ट सीटें रहती है और काउंसलिंग सीटें रहती है। काउंसलिंग सीटें भी रहती है कि पार्टिकुलर गवर्नमेंट ही इतनी सीटों को भरेगी। अब किसी कॉलेज में अगर मान के चलते हैं कि 60 सीटें हैं, तो उसमें से 30 सीटें वो डायरेक्ट भरेगी और 30 सीटें उसकी गवर्नमेंट फिल करेगी, मतलब गवर्नमेंट के काउंसलिंग के थ्रू फिल होगी। ये नंबर ऑफ कॉलेजेस जो स्टेट काउंसलिंग में रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं जो डायरेक्ट भी एडमिशन लेती है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, वैसे कॉलेजेस के लिस्ट निकालनी पड़ेगी जाकर के जो हाई कट ऑफ वाले कॉलेजेस हैं, मतलब जिनकी कट ऑफ हाई है लेकिन शायद वो डायरेक्ट अपना एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशंस भी दे रहे होंगे। अब हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें फोन कॉल आ रहा है, या फिर हम किसी कॉलेज को फाइंड करके फोन कर रहे हैं,
क्योंकि हम स्टेट काउंसलिंग से अगर किसी कॉलेज को फाइंड करते हैं तो ये गारंटी हो जाती है कि उस कॉलेज का गारंटी एक गवर्नमेंट भी ले रही है क्योंकि उसका काउंसलिंग गवर्नमेंट भी करवा रही है, और दूसरा ये हो जाता है कि उसके कट ऑफ समय पता चल जाते हैं कि उसके कट ऑफ कितने जा रहे हैं, मतलब उस कॉलेज का अगर कट ऑफ हाई जा रहा है तो वो बहुत अच्छी कॉलेज होगी इस कारण से उसका कट ऑफ, लेकिन अगर उसमें डायरेक्ट एडमिशन के सीट है तो वो भी हमें पता चल जाते हैं। तो दूसरा आपको समझने की चीजें क्या है कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन में, कि यूनिवर्सिटी कॉलेज सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट गवर्नमेंट ये सब की चीजें क्या होती है, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि या फिर अगर हमें फोन कॉल आता है या फिर हम किसी कॉलेज को फाइंड करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए या हमें उन कॉलेज से क्या क्या क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि आपको पाना है, आपको चाहिए एक अच्छा कॉलेज। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हो जाता है हमारा वो हो जाता है COA अप्रूवल। COA अप्रूवल क्यों, किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज को अप्रूवल जो देता है वो कौन देता है, COA अप्रूवल देता है, ठीक है। AIRCT से अप्रूवल की जरूरत नहीं है आर्किटेक्चर कॉलेज को, आर्किटेक्चर कॉलेज कहां से अप्रूवल पाएगी, COA से, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से अप्रूवल। अब COA की वेबसाइट पर भी जाकर के आप फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर कॉलेज को कितने साल के लिए एफिलिएशन है, सॉरी अप्रूवल है, कितने कॉलेज के लिए वो अप्रूव्ड है, ठीक है। अब हमको दूसरा क्वेश्चन उन्हें करना है कि आपका ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है या फिर यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको समझना पड़ेगा कि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप किसी भी कॉलेज में अगर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो वो सेमी गवर्नमेंट है या नहीं। अगर कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जैसे एक्स यूनिवर्सिटी हम मान के चलते हैं कि एक्स यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले रहे हैं, या तो वो प्राइवेट होगी या तो वो गवर्नमेंट होगी, ठीक है। अगर वो प्राइवेट होगी तो आपकी पूरी डिग्री हो गई प्राइवेट, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट होगी तो आपकी पूरी डिग्री हो जाएगी गवर्नमेंट डिग्री, मतलब आपकी गवर्नमेंट डिग्री बन रही है। अब क्या होता है, एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड होते हैं, ठीक है। जैसे मेरा ही कॉलेज है वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज, ठीक है, कॉलेज बहुत सारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती है, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भी एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती है। बहुत सारी ऐसे कॉलेजेस होंगे जो आपको दिखते होंगे कि किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है या फिर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो अगर कोई कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो वो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज भी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है, तो आपकी डिग्री भी प्राइवेट बनेगी और वो कॉलेज भी प्राइवेट है, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा गवर्नमेंट कॉलेज। अब गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज जैसे हमारे SPA हो गए या चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, ये सब हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिस्ट में आते हैं। तो इनमें तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलने के कोई चांसेस ही नहीं है, ये आपके सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू होंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन, या तो उनका खुद का प्राइवेट काउंसलिंग होगा या फिर उनका स्टेट काउंसलिंग होगा। आप या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गई या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, वो अपनी डायरेक्ट एडमिशंस नहीं करवाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे हमारी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या होते हैं। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट होती है जब किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कोई कॉलेज एफिलिएटेड होता है तब फॉर्म होता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। मतलब आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपकी जो डिग्री चल रही है, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी से जो आपकी डिग्री चल रही है वो यूनिवर्सिटी क्या है, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो वो हो गई आपकी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब आप समझ गए सेमी गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट कॉलेजेस कैसे हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस कौन हो गए, और हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी क्या हो गई और प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या हो गई। प्राइवेट कॉलेजेस वो हो गए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएटेड है या फिर प्राइवेट कॉलेजेस से एफिलिएटेड है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ठीक है, तो वो हमारा प्राइवेट कॉलेज हो गया, या फिर प्राइवेट कॉलेज अगर किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो हमारा सेमी गवर्नमेंट हो जाता है। इन बातों को एक दो बार आगे पीछे करके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन ये सारी चीजें अभी आपको समझने की कोई उतनी जरूरत नहीं है, ये लेकिन जरूरत की चीजें हैं तो आपको मैंने बता दी, अगर आपको समझना है तो बता देना, एक डिटेल वीडियो इस टॉपिक पर मैं बना दूंगा। तो आपको और क्या, अब अगर आपने पूछा कि आपका ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है या फिर यूनिवर्सिटी है, तो उनका रिप्लाई आएगा कि हमारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है। तो अगर ग्रुप ऑफ आपको पूछना है कि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है या फिर यूनिवर्सिटी है, तो वो कहेंगे हमारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है। तो आपको पूछना है कि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है तो किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है,
अगर किस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है तो वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, या फिर वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलेगा, क्योंकि जो आपकी डिग्री बनेगी, जो आपकी डिग्री होगी आर्किटेक्चर की, वो उसी यूनिवर्सिटी की बनेगी। ठीक है, तो आपका हो गया या तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। ठीक है, इससे पता चल जाएगा अगर वो गवर्नमेंट से होगी तो आपकी जो डिग्री बनेगी वो सेमी गवर्नमेंट की बनेगी, अगर वो प्राइवेट होगी तो आपकी प्राइवेट डिग्री बनेगी। ठीक है, इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। फिर आगे हो गई आपकी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से किसी से अगर यूनिवर्सिटी है, जैसे एक्स यूनिवर्सिटी से आप आर्किटेक्चर कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपका एक आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट होगा यूनिवर्सिटी में। आर्किटेक्चर बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में भी आर्किटेक्चर के अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, लेकिन क्या होता है उसकी जो एफिलिएशन होती है वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती है, लेकिन जो यूनिवर्सिटियां होती है उसका कोई एफिलिएशन नहीं होता किसी भी यूनिवर्सिटी, तो वो खुद एक यूनिवर्सिटी है। तो उसमें एक ही क्वेश्चन करना है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो गवर्नमेंट में तो डायरेक्ट एडमिशन होती नहीं है, गवर्नमेंट में डायरेक्ट एडमिशन होगी ही नहीं, प्राइवेट रहेगा वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर मैं लेके बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास ऐसे यूनिवर्सिटी के और कॉलेजेस के, अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन पार्टिकुलर कॉलेज मेरे को कहेगा, अगर मेरी वीडियो देखेगा तो कहेगा मेरे कॉलेज को वो टारगेट कर रहा है, मैं नाम नहीं ले सकता। ठीक है, उसके बाद चौथा, ये तो हमारे बेसिक क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज आपके पास रहना भी चाहिए, अगर आप बीटेक में भी एडमिशन करा रहे या फिर आर्किटेक्चर में एडमिशन करा रहे, ये बेसिक नॉलेज आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि खुद का काउंसलर खुद बने, खुद डिसाइड करे कि मैं किसके लिए एलिजिबल हूँ। अब हमें क्या करना है, फैकल्टी मेंबर्स के बारे में जानना है कि हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो कितने पढ़े हुए हैं तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनकी उनका मतलब कितना एक्सपीरियंस टाइम है, कितना टीचिंग एक्सपीरियंस टाइम है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उनके कॉलेज की वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी अपने वेबसाइट पे देके रखते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी देके रखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा प्राइवेट या सेमी जो भी होगा आपको फैकल्टी मेंबर्स के बारे में। फिर हो गया नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ कितने बैचेस कॉलेज से निकल चुके हैं, क्योंकि जब तक कोई बैच निकलता नहीं है ना किसी कॉलेज से, तब तक एक टेंशन हुआ रहता है कि कैसा फाइनल निकला है उन लोगों का, कितना प्लेसमेंट, क्योंकि बाकी के जो आगे के क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन वो उसी पर डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ बैचेस कितने निकले हैं। अगर नंबर ऑफ बैचेस 212 निकल गए हैं तो वेल एंड गुड है भैया, बहुत दिनों से वो कॉलेज है, बहुत दिनों से चल रहा है, तो ये हमें समझ में आता है। उसके बाद अगर हो गया हमारा, तो हमारा ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड हमारा कैसा रहने वाला है कॉलेज में। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि एक साल, बहुत पहले क्या होता था कि हमें एक साल की ट्रेनिंग पीरियड दी जाती थी, जैसे आप 4 साल तक अपना थीसिस किए उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए चले जाओ 1 साल के लिए, 5 साल के लिए। बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि थर्ड फोर्थ ईयर में लास्ट के 6 मंथ आपकी ट्रेनिंग रहती है और फिफ्थ ईयर में लास्ट में 6 मंथ आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहती है, तो उससे आपको पूछ लेना है कि क्या हमारी ट्रेनिंग पीरियड है, और ट्रेनिंग पे आपके कॉलेज हमें भेजेगी या हमें खुद खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपको अपने कॉलेज से करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है एक नासा, नासा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स की, जिसमें कि बहुत सारे जोन्स बने हुए हैं, डिफरेंट जोन्स हैं, इसमें इसके बारे में डिटेल अभी आपको जानने की उतनी जरूरत नहीं है, बस काम की चीज़ें मैं अभी बता देता हूँ। नासा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे मतलब जोन्स बने हुए हैं, लगभग 6-7 मेरे को नंबर ऑफ जोन्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन मैं जोन नंबर 1 में आता हूँ। तो जोन 1 में जितने भी कॉलेजेस हैं उसके अंदर एक मीटिंग, मतलब कि एक बहुत कुछ होता है, बच्चों के बीच कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक्चुअली मैं नासा एक बार भी जा नहीं पाया हूँ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, जाने का मेरा बहुत मन था। तो आपको क्वेश्चन क्या करना है कि नासा में आपके कॉलेजेस की कितनी मतलब कितनी क्या है, मतलब कितना आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है, क्या आपके ट्रॉफीज हैं, आपको कुछ मिला है कॉलेज में, कुछ पार्टीशन मतलब है कि नहीं नासा के लिए, ये उतना मायने नहीं रखता, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नासा में कॉलेजेस की क्या फैसिलिटी है, मतलब आपका कॉलेज ने कुछ नासा में कुछ थीसिस का कभी प्राइज आया है कि नहीं आया, ये सारे क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन के रिप्लाई आपको बहुत कम ही मिलेंगे कॉलेजेस की तरफ से, क्योंकि काउंसलर जो बात करता है ना उसे इसके बारे में उतनी नॉलेज नहीं रहती है। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा फी स्ट्रक्चर, कि फी स्ट्रक्चर कॉलेज की क्या है। फी स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि हम अपने गार्जियन के हिसाब से, अपनी घर के इनकम के हिसाब से हम कॉलेजेस डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो फी स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फी स्ट्रक्चर आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि आप किस फी में प्रेफर करते हो। उसके बाद हो गया हमारा प्लेसमेंट,
कि जैसे हमने ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग किया, उसके बाद अगर हमारा जो प्लेसमेंट होगा वो क्या हमारे कॉलेज करवाएगी या फिर ट्रेनिंग करवा के कॉलेज छोड़ देगा, या फिर हमारा हमको ट्रेनिंग भी खुद खोजनी है, प्लेसमेंट भी खुद खोजनी है, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे अपने कॉलेज के जिससे भी आपको बात हो रही है उससे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपके हॉस्टल, हॉस्टल के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल का क्या रूल रेगुलेशन, कितनी फीस स्ट्रक्चर अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो। उसके बाद हो जाता है स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप क्या होता है, स्कॉलरशिप अगर आपके किसी भी आपके कॉलेज में किसी भी चीज़ का, जैसे अगर मैं हरियाणा स्टेट में किसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, हरियाणा स्टेट में ही कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे जो स्कॉलरशिप होती है या फिर हरियाणा के बच्चों के लिए होती है या फिर जो बाहर के बच्चे होते हैं उनके लिए होती है, तो आपको ऐसे पूछना पड़ेगा कि स्कॉलरशिप का क्या सिस्टम है आपके कॉलेज में अगर आपको स्कॉलरशिप की जरूरत है तो, या फिर अगर आप मेरे को अभी स्कॉलरशिप दे रहे हो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस क्या होते हैं कि एक साल के लिए स्कॉलरशिप देते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आपको क्या कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर से आपके परफॉर्मेंस पे तय होगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इस बारे में आपको डिटेल से पूछ लेना है कि क्या स्कॉलरशिप का उनका रूल रेगुलेशन है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है 12th नंबर, जो आपको खुद मन करे जो क्वेश्चन पूछने का वो क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा। तो ये आपको डिपेंड करता है कि स्टेट काउंसलिंग, मैंने यहाँ पे इसलिए लिख के रखा है क्योंकि स्टेट काउंसलिंग में बहुत सारे कॉलेजेस रहते हैं और उन कॉलेजेस की लिस्ट और कटअप से आप उनके कॉलेजेस को फाइंड कर सकते हो, या फिर आप किसी को किसी भी कॉलेज में फ़ोन कर सकते हो कि क्या उसमें डायरेक्ट एडमिशंस अवेलेबल है, या फिर उस कॉलेज से आपको फोन्स आ भी रहे होंगे। तो ये सारा प्रोसेस हो गया हमारा डायरेक्ट एडमिशन का। मुझे लगता है इस वीडियो को जो बच्चे लास्ट तक देखे होंगे उन्हें अपनी एडमिशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जो वीडियो आधे छोड़ के गए होंगे वही कमेंट बॉक्स में इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन करेंगे। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को मैसेज कर दो, मैं इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज जाने के 2-3 साल बाद तक नहीं रहता बच्चों को, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या डिफरेंस है, सेमी गवर्नमेंट क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे कॉलेज जाने के बाद। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक करना यार, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि आपके उतने से काम से हमें बहुत अच्छा लगता है।